रिवीजन भी हमारा सब कुछ हो गया है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर बुक, मतलब ग्रामर के जितने भी चैप्टर आए हैं ऐसे वन में लेने वाले हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर ग्रामर। ओके, सो सबसे पहले आई विल शो यू विच ग्रामर बुक यू हैव टू बाय। सो दिस इज अ ग्रामर बुक फॉर स्टैंडर्ड थर्ड। प्लीज सी इट केयरफुली। देखा आपने, आपको स्टैंडर्ड थर्ड में जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऐसे ग्रीन जैसा लाइट ग्रीन कलर का कवर होगा, उसपे लिखा हुआ होगा ऑक्सफोर्ड न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन स्टैंडर्ड थर्ड, और उसमें कल्याणी शमन ट्री उसके ये वाली आपको बुक लानी है। देखो गौर से। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर वन इन ग्रामर टेक्स्ट बुक। तो चैप्टर वन क्या है हमारे ग्रामर टेक्स्ट में, तो वो है कॉमन एंड प्रॉपर नाउंस। चैप्टर वन का नाम क्या है, कॉमन एंड प्रॉपर नाउंस। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न इन स्टैंडर्ड सेकेंड। स्टैंडर्ड सेकेंड में आपने ऑलरेडी ये सीख लिया है, लेकिन थर्ड में भी आपको एडिशन के साथ फिर से पढ़ना है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग कॉमन एंड नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज अ नाउन। पहले अगर आपको नाउन्स पता होगा तो आप कॉमन एंड प्रॉपर के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नाउन से, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी काफी महीने तक घर पे रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आप भूल भी गए होंगे, तो कोई बात नहीं, हम फिर से आपको रिवाइज करवाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नाउन क्या है, उसके बाद नाउन के जो प्रकार है मतलब टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, वो हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स। तो नाउन्स किसे कहते हैं, नाउन्स क्या है, आपका नेम है, सबका नेम है कि नहीं, जैसे कि मेरा है, ओके, उसी तरह आपका भी नेम है कि नहीं, आप सब नेम बिना के तो है ही नहीं। स्कूल में जब आप आते हो तो अटेंडेंस लेते हैं तो टीचर आपके नाम से बुलाते हैं कि नहीं, या टीचर को अभी भी आपको बुलाएंगे क्लास में तो आपके नाम से ही बुलाते हैं। घर पे भी आपके मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर नाना नानी दादा दादी आपको आपके नाम से ही बुलाते हैं। तो आपका जो नाम है वो क्या है, नाउन से। उसी तरह पूरे वर्ल्ड में सबका, सारी चीजों के, एनिमल्स के, बर्ड्स के, ओके, सबके नेम है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका नेम ना हो। तो नाउन मीन्स नेम। तो आज हमें उसे के बारे में सीखना है। सबसे पहले सीड डेफिनेशन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। जो नेमिंग वर्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दुनिया में वर्ल्ड में जितनी भी चीज है वो सबके नेम होते ही है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। दूसरी डेफिनेशन क्या है, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल प्लेसेस अंकल आंट टीचर डॉक्टर
लॉयर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन, मतलब बहुत सारे नेम्स हैं, बराबर है। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप में डिवाइड किया है, ओके। किसी को फादर का दर्जा दिया है, किसी को मदर का दिया है, तो कोई सिस्टर है, लेकिन वो भले ना अलग अलग नेम है, लेकिन वो लास्ट में क्या कहलाएंगे, वो तो है एक नाउन ही है ना, भले वो नाउन से, लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया है पीपल, तो यहाँ पे पीपल के नेम लिखने हैं। तो कौन कौन सा ऐसा पीपल है? सबसे पहले मैंने आपको कहा फादर, मदर, अंकल, आंट, टीचर, फिर डॉक्टर हुआ, फादर, मदर, अंकल, आंट, टीचर, डॉक्टर। तो ये सब किसके नेम है? तो ये सब पीपल के नेम है, पीपल यानी कि ह्यूमन बींग्स के नेम है। ये सब क्या कहते हैं इसे? तो इन सबको हम नाउन कहते हैं, ये सबको नाउन कहा जाता है। अब आ रही है प्लेसेस, PLACES, प्लेसेस। तो प्लेसेस हर रोज अलग अलग प्लेसेस में विजिट तो करते होंगे। आपका घर वो भी एक प्लेस ही है कि नहीं? आप पढ़ने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? आपको पता ही है वो आंसर, तो स्कूल, पढ़ाई के लिए हम स्कूल में जाते हो। तो स्कूल क्या है? वो एक प्लेस है कि नहीं? दूसरी बात, पढ़ते तो है आप, लेकिन जब आप बोर हो जाते हो पढ़ने से ग्राउंड में जाते हो या तो गार्डन में जाते हो, वो भी एक प्लेस है गार्डन। तो वो क्या हुआ? वन टाइप ऑफ नेम ऑफ प्लेस। दूसरी बात, आप बीमार हो गए हैं तो आप कहाँ जाएंगे? किसकी विजिट करेंगे? आपको दवाई आई है, चेकअप करवाना है, तो आप कहाँ जाएंगे? बीमार होंगे तब स्कूल जाएंगे, गार्डन जाएंगे? नहीं, वो एक अलग प्लेस है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हॉस्पिटल, है कि नहीं? अलग अलग, पढ़ने के लिए हम स्कूल जाएंगे, खेलने के लिए हम गार्डन जाएंगे, बीमार होंगे तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, है कि नहीं? ये सब नेम तो प्लेसेस के ही है, लेकिन हर एक काम के लिए हमें हर एक अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, भले हम अलग अलग जगह पे जाए, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं वो है नाउंस, इसे हम नाउंस ही कहते हैं, भले उसके नेम अलग अलग है, ओके। अब आ रही है क्या है, वो स्कूल लिख दिया, गार्डन लिख दिया, हॉस्पिटल लिख दिया, ओके। अगर आपको किसी को, आपके दादा दादी है, फादर मदर है, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक हो, घर पे नहीं आता हो, या तो अलग अलग बुक्स रीड करने का शौक हो, हॉबी हो उनकी, तो वो कहाँ जाएंगे? तो दे विल गो लाइब्रेरी। तो वो भी क्या है? नेम ऑफ प्लेस। चलो आगे, दूसरा आप लोग मुझे आंसर देना, ऐसी कौन कौन सी प्लेस है जिस दूसरी जहां पे आप विजिट करते हो? कम ऑन थिंक, ओके। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाते हो ना? गिर फॉरेस्ट विजिट की है आपने कभी? गिर फॉरेस्ट की, तो वो भी एक प्लेस है। उसके बाद अगर आपको पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं, ओके, तो जो भी पैसों का व्यवहार है हमें करना है, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? ऑब्वियसली वेयर वी आर गोइंग, बोलो, वी आर गोइंग टू बैंक, बैंक में जाते हैं ना पैसे लेने के लिए। तो स्कूल, गार्डन, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, फॉरेस्ट, बैंक, सो दीज आर द नेम ऑफ द प्लेसेस। और यहाँ पे फादर, मदर, अंकल, आंट, टीचर, डॉक्टर, दीज आर द नेम ऑफ द पीपल। ये भले मैंने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, लेकिन ये सबको हम क्या कहेंगे? नाउंस ही कहेंगे, क्योंकि ये सबके नेम है पीपल, तो पीपल में इतने सारे नेम्स होते हैं अलग अलग, इससे भी ज्यादा है। प्लेसेस तो प्लेसेस में इसके अलावा भी कई और नेम आते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल टू शो यू।
ये आपको दिखाने के लिए मैंने खाली एग्जांपल बताया है। अब आ रही है थिंग्स, पीपल तो है आप, प्लेसेस भी आप जाते हैं घूमने देखने के लिए भी। अब थिंग्स डेली यूजेस में भी आप अलग 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 तरीके की चीजें यूज करते हो, ऐसा तो है ही नहीं। सपोज अभी मुझे लिखना है तो मैंने लिखने के लिए कौन सी थिंग्स, कौन सी चीज का यूज किया, तो मैंने यूज किया चॉक। मेरे बात में क्या है ये चॉक। तो चॉक क्या है, पीपल है, पर्सन है, एनिमल है, बर्ड है, नहीं ये क्या है, ये है थिंग्स, इसीलिए चॉक। तो मैं कहा लिखूंगी, यहां पर लिखूंगी, है कि नहीं। उसी तरह आप पढ़ने के लिए क्या यूज करते हो, बुक, तो बुक क्या है थिंग्स। गर्मी का माहौल है अभी, गर्मी लगती होगी, आप क्या यूज करेंगे घर में, फैन। बारिश में क्या यूज करते हो, अम्ब्रेला। ओके, आपको खेलने का मन होता है तो आप खेलते हो ना बॉल से कभी कभी, वो भी क्या है थिंग्स, है कि नहीं। तो थिंग्स तो बहुत सारी है, अगर आप सोचेंगे तो आपको इतने सारे वर्ड्स मिलेंगे, अगणित वर्ड्स है। ओके, तो थिंग्स में तो आप यू कैन टेक सो मैनी थिंग्स, टेबल वो भी एक थिंग्स है, टेबल के साथ हम चेयर भी ले लेते हैं वो भी एक थिंग्स है। ओके, तो बुक, फैन, अम्ब्रेला, बॉल, टेबल, चेयर, ये सब किसमें आएंगे, थिंग्स में आएगा, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन नहीं, बुक बोल सकती है हमारी तरह, खा सकती है, पानी पी सकती है, फैन, अम्ब्रेला, बॉल, टेबल, चेयर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, आपने ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। तो ये जो चीज है वो थिंग्स में हम काउंट करते हैं, और ये भी नाउंस है। अब बात है एनिमल्स, उसमें तो मुझे आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, यू नो द नेम ऑफ द एनिमल्स, आपको अच्छी तरह से पता है नेम ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले हम लिखेंगे डॉग, कैट, काउ, एलिफेंट, डियर, फॉक्स। तो ये सब किसके लिए है, एनिमल्स के, डॉग, कैट, काउ, एलिफेंट, डियर, फॉक्स, दीज आर द नेम ऑफ दी एनिमल्स। तो ये सब क्या है, नाउंस, भले नेम ऑफ एनिमल्स है पर उसे हम कहते हैं नाउंस। अब आ रही है बर्ड्स, तो बर्ड्स में हम लिखेंगे पीकॉक, स्पैरो, आउल, डक, डॉग, है क्या नहीं, पैरट, पीको, स्पैरो, आउल, डॉग, डॉग, पैरो, दीज आर द नेम ऑफ दी बर्ड्स। अब देखो मैंने अलग अलग ग्रुप बनाया, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, और सब में अलग अलग नेम भी लिखे, लेकिन भले मैंने अलग अलग नेम लिखे, अलग अलग ग्रुप बनाया, लेकिन ये सबको हम क्या कहेंगे, नाउंस ही कहेंगे। ओके, जब भी मैं पूछूं कि गिव मी द आंसर या तो सर्कल ऑन नाउंस, तो इसमें से आपको कोई भी नाम ऐसा दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर सर्कल करना है। कई बार आप लोग सोचने बैठ जाते हो कि क्या करना है, क्या है, कैसे लिखेंगे, कंफ्यूज होते हो कि नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यू शुड फॉलो दिस टेबल, पीपल में क्या क्या है, प्लेसेस में क्या है, थिंग्स में क्या है, एनिमल्स में, बर्ड्स में, भले अलग अलग ग्रुप है, लेकिन ये जो नेम है, प्लेसेस, पीपल, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो सबके नेम को हम नाउंस कहते हैं। ओके, दीज आर द नाउंस, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो आप सबको ये जो डेफिनेशन है वो, और ये जो टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको एक नई नोटबुक बनानी है, याद रखना, एक नई नोटबुक बनानी है 4 lines की ग्रामर के लिए, किसके लिए, ग्रामर के लिए, ग्रामर की आपको नई नोटबुक बनाएंगे 4 lines की, जैसे कि इंग्लिश की बनाई थी उसी तरह
बना है इसमें ये सब लिखना है विद द गुड हैंडराइटिंग. ओके आया समझ में. इंग्लिश नोटबुक में आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको किसमें लिखना है, यू हैव टू राइट इन योर ग्रामर नोटबुक, इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. ओके वन मोर अनाउंसमेंट फॉर यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो. आपको यह वर्कबुक देख रहे हो, सो फॉर स्टैंडर्ड थर्ड यू हैव टू बाय दिस वर्कबुक. उसका कवर देखो विच कलर वायरोट जैसा है कि नहीं, ये लाना है. उस पर लिखा होगा एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक, फिर इंग्लिश मैरीगोल्ड. और खास ध्यान आपको यह रखना है कि उसके नीचे अरिहंत प्रकाशन का नाम लिखा हुआ होगा. आपको यह कलर की और इसी ऐसी ही बुक लानी है. देखो ध्यान से. ओके आया समझ में सबको. तो वर्कबुक और ग्रामर बुक दोनों मैंने आपको दिखा दिए और आपको जैसे